इंस्पायरिंग, बस लोगों के दुख कम करने की एक कोशिश, उनको हंसाने की एक कोशिश और गाने से उनको और रिझाने की कोशिश जारी है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा है कि श्री में मैं एक ग्रे शेड निभा रहा हूँ। पहली बार थोड़ा हटके करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली लोग बोलते हैं हम हटके कर रहे हैं, बट इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे ग्रे शेड ऑफर हुआ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एक्टर को इतने चॉइसेस मिलते नहीं हैं। सो आई एम प्लेइंग अ ग्रे शेड, आई थिंक पीपल विल लव इट। यार बहुत, मेरे ख्याल से हर एक्टर इस दिन का इंतज़ार करता है जब उसकी पहली फिल्म यू नो थिएटर्स में लगने वाली है, और आज लॉन्च है और जिस तरह से ये लॉन्च हुआ है उस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इट रियली फील्स दैट इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत बार देखा है या सोचा है ख्यालों में कि हाँ यार कभी हमारी भी ऐसी फिल्म होगी? जी एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी साजिद वाजिद जी के लिए कमाल धमाल मालामाल मूवी में दो गाने गाए हैं, तो प्लेबैक का डेब्यू मेरा वहाँ से हो गया था। बट श्री से है कि श्री से मेरी जो प्लेबैक की जो गाड़ी है वो स्टेशन, एक दूसरा स्टेशन मिल गया आगे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। देखिए यार, मैं बहुत ही लोग बोलते हैं थोड़ा सा चूज़ी एक्टर हूँ, तो थोड़ा सा आराम से काम करना चाहता हूँ। ये श्री के साथ साथ अभी मेरी एक फ़िल्म जो प्रभु देवा के साथ मैं कर रहा हूँ, उसका नाम है रमैया वस्ता भैया, वो जून में रिलीज़ हो रही है। टिप्स की फ़िल्म है और आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, लव स्टोरी है। और उसके अलावा टेलीविज़न करता रहता हूँ, कॉमेडी सर्कस करता हूँ, मेरी एक शो चल रहा है चिड़ियाघर सब टीवी पे, और डेफिनेटली एक दो रीजनल प्रोजेक्ट्स, एक मराठी फिल्म है, एक गुजराती फिल्म है, उसके बारे में बातें हो रही हैं। सर अगर मैं ये कहूँ कि हाँ कुछ कुछ तरह के अलग करने की कोशिश थी, और मेरे ख्याल से जब पहली फिल्म है सर, तो मैंने इतना कुछ ना सोचा है इसके बारे में। ये था कि कहानी आपको अच्छी मिलनी चाहिए जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और पहले भी कुछ अलग अलग काम किया है तो उसमें लोगों ने काफ़ी सराहा है काम को, उम्मीद करता हूं कि इसमें भी सराहा है। हाँ, इट्स नॉट द यूजुअल जैसा कि हम देखते आए हैं, बट जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट टेक अ रिस्क इट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट रिस्क दैट यू टेक बाई नॉट टेकिंग अ रिस्क। So yes, it is something which is different and that's why it is what it is. जो श्री मूवी में जो गाना मैंने गाया है, बहुत ही मेलोडियस नंबर है, बहुत ही सूदिंग सॉफ्ट रोमांटिक नंबर है, जिस तरह की मेरी जो है वॉइस है उसके हिसाब से कॉम्पोजिशन हुई है, मुझे ऐसा लगता है।